गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बट आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है जो पिजन का, दैट इज़ अ नर्वस सिस्टम ऑफ पिजन, वो स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो जो इसका ब्रेन है बेसिकली इट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक है, फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? फर्स्ट आ जाता है ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डायनसेफलम. पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं ब्रेन का. आपने फिगर देखनी है 9.28. ठीक है, इसमें ये वाली जो डॉर्सल व्यू है इसमें ये वेंट्रल व्यू भी दिया हुआ है, लेकिन हमने डॉर्सल ही देख रहे हैं, इसमें डॉर्सल ही डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखेंगे तो ऑल्फैक्टरी बल्ब छोटे छोटे पियर शेप बॉडीज होती हैं. ठीक है, स्मॉल इन नेचर, वेरी स्मॉल इन नेचर, एक्चुअली स्मॉल नहीं होती ये, दे आर कवर्ड मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है ऑल्फैक्टरी बल्ब, इट इज कवर्ड बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो जो पार्ट दिखता है वो पियर शेप छोटे छोटे बीड्स की तरह अपीयरेंस देती हैं. ठीक है, तो ये है. उसके बाद इट इज फॉलोड बाय द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज नोन एज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेरिब्रल हेमिस्फीयर फर्दर लीड्स टू अ थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज अ डायनसेफलॉन. डायनसेफलॉन क्या है, इसमें विजिबल नहीं है पिक्चर में, क्योंकि इट इज पार्शली कवर्ड बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड बाय द सेरिब्रम. ठीक है, तो दोनों ये मिलके सेरिब्रम एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर ने उसको कवर करके ओनली ट्राइंगुलर पार्ट है जो थोड़ा सा विजिबल है जिसमें पाइनियल बॉडी इज प्रेजेंट, तो वो कौन सा पार्ट है? डायनसेफलॉन का. देन डायनसेफलॉन फॉलोड बाय अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज नोन एज द ऑप्टिक लोब्स. ऑप्टिक लोब क्या है, थोड़े से बाहर को निकले हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड द ऑप्टिक लोब्स, लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, फर्दर ऑप्टिक लोब आर फॉलोड बाय द क्रूरा सेरिब्रम, दे आर नर्व बैंड्स. ठीक है, यहाँ पे विजिबल नहीं है स्ट्रक्चर में. नेक्स्ट आ जाता है आपका हाइंड ब्रेन, उसमें आ जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये पार्ट है, ठीक है, दिख रहा है, एंड इट फॉलोज द मेडुला ऑब्लोंगेटा विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रक्चर है पिजन के ब्रेन की. अभी वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं. पहले फोर ब्रेन डिस्कस करते हैं. फोर ब्रेन में क्या है, सबसे पहले आ जाता है ऑल्फैक्टरी लोब्स, वेरी स्मॉल कोनिकल बॉडीज है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर है जो, वो ज़्यादातर इसको कवर करके रखे हुए हैं, थोड़ा सा ही दिखता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं पुअरली डेवलप, ये ऑर्गन्स हैं ब्रेन में पुअरली डेवलप पार्ट है, क्योंकि ऑल्फैक्टरी के स्मेल के साथ रिलेट करता है. ठीक है, तो इसने ज़्यादातर हवा में रहना हो तो वहाँ पे इसको ज़्यादा स्मेल की या डिस्टिंग्विश स्मेल्स की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट कम डेवलप होता है. नेक्स्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेरिब्रल हेमिस्फीयर लार्जेस्ट पार्ट है. आगे से ये क्या है बेटा, नैरो रहता है और पीछे से ये ब्रॉड रहता है. आपस में दोनों लेफ्ट राइट क्या है, एक फिशर रहता है बीच में, तो उसके थ्रू ये डिवाइड रहते हैं. ठीक है, तो जो ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उस अगर उसको काट कर देखें तो एक कैविटी रहती है, उसका नाम है पैरासील. पैरासील कैविटी रहती है इसके अंदर. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर फॉलोड बाय द डायनसेफलम. डायनसेफलम वेल डेवलप्ड पार्ट है. ठीक है, एव्स में, लेकिन इट इज कवर्ड, मोस्ट ऑफ द डायनसेफलम है जो कवर्ड बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड सेरिबेलम. तो सिर्फ यहाँ पे ये ट्रायंगुलर पार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगुलर पार्ट है, तो इस ये सारे डायनसेफलॉन का पार्ट है. तो इसमें यहाँ पे एक पाइनियल बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द डायनसेफलॉन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसमें जो डायनसेफलॉन में कैविटी रहती है दैट इज अ डायसील. उसको क्या बोलते हैं, डायसील. जो रूफ है डायनसेफलॉन की इज नोन एज द एपिथेलमस. जो फ्लोर रहता है इसका, अगर इसको काट के देखें कैविटी का जो फ्लोर रहता है अंदर से, उसको हाइपोथेलमस बोलते हैं. नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका मिड ब्रेन का. मिड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, एक तो ये ऑप्टिक लोब्स आ जाते हैं, एक क्रूरा सेरिब्राई आ जाते हैं. ठीक है, ऑप्टिक लोब्स अगर देखें तो दोनों लेटरली प्रेस्ड है. ठीक है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसकी वजह से ये साइड्स में पुश हो गए हैं.
हैं, ठीक है। काफ़ी लार्जर जो पार्ट है इसका, ये भी काफ़ी बड़ा पार्ट है, प्रोमिनेंट पार्ट है और हाईली डेवलप्ड पार्ट है, क्योंकि इनको अच्छी आईसाइट चाहिए होती है, ऑप्टिक जो ऑप्टिक लोब्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो विजन काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए ये भी काफ़ी डेवलप्ड होते हैं। तो इसमें जो कैविटी है उसको क्या कहते हैं, ऑप्टोसील, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मिड ब्रेन का, क्रूरा सेरिब्राई। क्रूरा सेरिब्राई यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं दिखेंगी, क्योंकि दे आर बेसिकली नर्व बैंड्स विच कनेक्ट द डायनसेफलन टू द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को और डायनसेफलन को, दोनों को आपस में जोड़ते कौन है, ये बैंड्स है, ठीक है। कॉम्युनिकेट जिनके थ्रू ये दोनों पार्ट करते हैं वो है क्रूरा सेरिब्राई। लास्ट पार्ट आ जाता है ब्रेन का हाइंड ब्रेन, उसमें आ जाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये काफ़ी प्रोमिनेंट रीजन है, दिख रहा है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सेंटर पार्ट को वर्मिस कहते हैं जो हाईली फोल्डेड है, एंड जो साइड्स में थोड़ा थोड़ा लेटरल साइड को पुश हुआ है उसको फ्लॉकुलस पार्ट कहते हैं, ठीक है। वर्मिस एंड फ्लॉकुलस दो पार्ट्स में ये सेरिबेलम है जो डिवाइड रहता है। इसमें जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, मेटासील, ठीक है। जो इसको काट के देखेंगे तो अंदर एक कैविटी रहती है, उसको बोलते हैं मेटासील। लास्ट पार्ट आ जाता है जो दैट इज अ मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। जो एंटीरियर पार्ट है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का, उसको काफी हद तक जो सेरिबेलम है उसने कवर किया रहता है, लेकिन मेडुला ऑब्लॉन्गेटा स्टार्टिंग में काफी ब्रॉड रहता है एंटीरियर साइड में, और जैसे जैसे पोस्टीरियर साइड में ये स्पाइनल कॉर्ड में मर्ज होता है वो नैरो हो जाता है, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। अगर इसको काट के देखिए, इसमें एक कैविटी है उसको बोलते हैं माइलोसील, ठीक है। माइलोसील इज अ कैविटी विच इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो इसमें आपने जो सारी की सारी कैविटीज हैं वहां पे एक वाटरी फ्लूइड रहता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो है सारी की सारी कैविटीज में ब्रेन के प्रेजेंट रहता है। तो इट इज ऑल अबाउट द ब्रेन ऑफ द पिजन। थैंक यू वेरी मच।